We will discuss about ribosomes in prokaryotic cells or bacterial cells. Ribosome के बारे में अब हम लोग discussion करेंगे. देखिए prokaryotic cell में 70S type का ribosome पाया जाता है और ये जो 70S ribosome होता है दो सब यूनिट का बना होता है. एक स्मॉलर सब यूनिट होता है जो 30S है और एक लार्जर सब यूनिट होता है जो 50S. तो राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं वो 70S राइबोसोम होते हैं और इनके दोनों सब यूनिट्स 50S और 30S ये अलग अलग रहते हैं. और जब प्रोटीन सिंथेसिस का समय आता है तभी ये दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ करके फिर प्रोटीन सिंथेसिस को अंजाम देते हैं. अब यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना आवश्यक है कि राइबोसोम के जो दो सब यूनिट्स होते हैं उसमें एक 30S सब यूनिट है और एक 50S सब यूनिट है और ये जब दोनों सब यूनिट आपस में चिपक जाते हैं तो 70S सब यूनिट बन जाता है. और राइबोसोम का जो साइज होता है वो 15 nm से लेकर के 20 nm तक होता है यानी नैनोमीटर. तो राइबोसोम का जो साइज होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का वो 15 nm से लेकर के 20 nm तक होता है. और राइबोसोम के ये जो दोनों सब यूनिट होते हैं ये अलग अलग पाए जाते हैं सेल के अंदर और जब प्रोटीन सिंथेसिस का वक्त आता है तभी ये दोनों सब यूनिट आपस में आकर के चिपक जाते हैं. अब जब ये दोनों सब यूनिट अलग अलग होते हैं तो ये बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहते हैं, छोटा सब यूनिट भी और बड़ा सब यूनिट भी. तो आप जब किसी प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो आपको उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से राइबोसोम के सब यूनिट अटैच्ड दिखाई देंगे और कुछ राइबोसोम के सब यूनिट साइटोप्लाज्म में भी बिखरे होंगे. अब क्या होता है जब प्रोटीन सिंथेसिस का समय आता है तो जो सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जिसको हम जीनोमिक डीएनए भी कह सकते हैं या प्लाज्मिड कह सकते हैं, तो इस डीएनए मॉलिक्यूल से पहले मैसेंजर आरएनए बनता है और ये जो मैसेंजर आरएनए है इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये राइबोसोम के दोनों सब यूनिट आकर के चिपक जाते हैं, छोटा सब यूनिट एक साइड से और बड़ा सब यूनिट दूसरे साइड से. तो इस तरह से ये 70S राइबोसोम का फॉर्मेशन हुआ. तो 70S राइबोसोम का फॉर्मेशन जो है वो एमआरएनए के ऊपर होता है यानी जब दोनों सब यूनिट अलग अलग आकर के जुड़ जाते हैं मैसेंजर आरएनए से. ये मान लीजिए 30S सब यूनिट आके जुड़ रहा है और ये 50S सब यूनिट आकर के जुड़ रहा है तो ये 70S राइबोसोम का फॉर्मेशन हो गया. तो ये ध्यान रखना है कि 50S राइबोसोम के सब यूनिट और 30S राइबोसोम के सब यूनिट जब दोनों आकर के मैसेंजर आरएनए के साथ चिपकते हैं तो 70S राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है. और फिर ये राइबोसोम जो है ये मूव करते हैं मैसेंजर आरएनए के एक छोर से दूसरे छोर के तरफ. तो मान लीजिए ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोमल सब यूनिट जो है दोनों ही मिलकर के जो 70S बना चुके हैं अब वो मूव करके यहां पहुंच गए. तो जब राइबोसोम मूव करता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडॉन्स पाए जाते हैं. इन कोडॉन्स के बारे में और सारा जो मैकेनिज्म है डिटेल में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्लास 12th में. तो जब ये राइबोसोम मूव करते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडॉन्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन में यानी इससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. तो आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए मिल करके प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं. तो राइबोसोम्स का काम क्या हुआ, राइबोसोम्स का काम है हेल्पिंग प्रोटीन सिंथेसिस, दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा.
चीज कि जो डीएनए मॉलिक्यूल से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, आप जानते होंगे इसको ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल, चाहे वो जीनोमिक डीएनए हो या प्लाज्मिड वाला डीएनए हो, दोनों से ही मैसेंजर आरएनए बनते हैं। और मैसेंजर आरएनए बनने के बाद इससे राइबोसोम आके चिपक जाते हैं, उनके सब यूनिट्स आके चिपक जाते हैं, और ये जब दोनों से बढ़ा के चिपकेंगे तो कंप्लीट राइबोसोम बनेगा। फिर वो मूव करेगा एमआरएनए के ऊपर तो प्रोटीन बनेगी। तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहा जाता है, तो इसको ट्रांसलेशन कहेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के मदद से डीएनए से प्रोटीन बनती है, डीएनए से पहले आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है, और इस प्रोसेस में राइबोसोम हिस्सा लेते हैं। और राइबोसोम जो है यूजुअली बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, उससे चिपके रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट राइबोसोम आपको यूजुअली नहीं दिखेंगे, ये सब यूनिट्स के फॉर्म में दिखेंगे, 50s 30s 50s 30s 50s 30s। और जब प्रोटीन सिंथेसिस का वक्त आएगा तब ये 50s और 30s मिल करके 70s राइबोसोम बनेगा। अब यहाँ एक और चीज आपको ध्यान देना जरूरी है कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर कितने राइबोसोम जुड़े रहते हैं। इस चित्र में आपको मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक राइबोसोम आकर के चिपका और फिर वो मूव करके यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पहुंचने के बाद फिर ये दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि राइबोसोम का ये छोर आ गया, एंड आ गया। तो जब राइबोसोम यहाँ आकर के जुड़ा और यहाँ से अलग हो गया तो इस दौरान जो मूवमेंट होगा तब प्रोटीन बनेगी। तो इसी तरह से मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक ही राइबोसोम नहीं चलता है, बहुत सारे राइबोसोम चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक राइबोसोम यहाँ पर आके जुड़ा, उसके दोनों सबयूनिट आके जुड़े, एक राइबोसोम बना कंप्लीट और वो मूव करके यहाँ पहुँच गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये राइबोसोम सबसे पहले आके जुड़ा था तो वो यहाँ तक पहुँच गया और इससे एक प्रोटीन बन गई। उसके बाद जब ये राइबोसोम थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो फिर इस जगह पर दूसरा राइबोसोमल सबयूनिट्स आकर के चिपक जाते हैं और एक नया राइबोसोम कंप्लीट राइबोसोम का निर्माण होता है और वो भी इसके पीछे पीछे मूव करता है। तो मान लीजिए वो यहाँ तक पहुँचा रहता है, जब ये यहाँ पहुँच चुका रहता है तो दूसरा वाला राइबोसोम यहाँ तक पहुँचा हुआ रहता है, तो ये मान लेते हैं ये यहाँ तक पहुँचा हुआ है, और जब ये सेपरेट हो जाएगा तो ये और आगे तक जा करके यहाँ तक पहुँच जाएगा और ये भी सेपरेट हो जाएगा तो इससे भी वही प्रोटीन बनेगी। इसके बाद इसके पीछे भी ऐसे ही और राइबोसोम मूव करते हुए दिखेंगे आपको। तो इस तरह से एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम मूव करते हुए दिखेंगे और ये सभी अपनी अपनी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पर एक मैसेंजर आरएनए पर आपको तीन राइबोसोम मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इससे तीन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बन रही है और ये तीनों ही प्रोटीन मॉलिक्यूल एक जैसी होगी क्योंकि ये तीनों ही प्रोटीन मॉलिक्यूल एक ही मैसेंजर आरएनए से बन रहा है। तो एक मैसेंजर आरएनए पर जब आपको कई राइबोसोम चिपके हुए दिखाई देंगे तो इसी को पॉली राइबोसोम कहा जाता है। तो पॉली राइबोसोम या इसी को पॉलीसोम्स कहा जाता है, पॉलीसोम कहा जाता है, यानी पॉलीसोम में एक एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम चिपके हुए मिलेंगे। तो क्यों बहुत सारे राइबोसोम चिपके रहते हैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए कि एक मैसेंजर आरएनए पर पहले एक राइबोसोम आगे बढ़ेगा, जैसे ही पहला राइबोसोम आगे बढ़ेगा उसके पीछे दूसरा राइबोसोम आकर के आगे बढ़ना शुरू होगा, और जब ये दोनों और आगे बढ़ेंगे तो उसके पीछे एक तीसरा राइबोसोम भी आकर के आगे बढ़ना शुरू करेगा। यानी जितने भी राइबोसोम आगे बढ़ेंगे उस सेम मैसेंजर आरएनए से चिपक करके उन सबके बीच में बराबर गैप होगा, बराबर दूरी होगी, और जो सबसे पहले राइबोसोम आके चिपका था वो सबसे पहले दूसरे छोर पर पहुंचेगा और वो सेपरेट हो जाएगा और प्रोटीन तब तक उसकी बन चुकी रहेगी। ऐसे ही दूसरे के साथ होगा, ऐसे ही तीसरे के साथ होगा। तो एक मैसेंजर आरएनए से लगातार
कई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनती रहती हैं और वो सभी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं? क्योंकि मैसेंजर आरएनए सेम है और उसके ऊपर जो कोडॉन्स हैं वो भी क्या है, सेम है। तो याद रखिए, मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं, कोडॉन्स पाए जाते हैं, और इन्हीं कोडॉन्स को वो प्रोटीन के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो ये एनसीईआरटी बुक लिखती है कि राइबोसोम ट्रांसलेट्स मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन। तो इस तरीके से आपको ये बताने की कोशिश की गई कि जो प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं उनका क्या फंक्शन है और वो कैसे काम करते हैं। कुछ इसी तरह से फंक्शन राइबोसोम का यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है, वो हम आगे चल करके आपको डिस्कस करेंगे।